फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत से DIY को लेकर, जो कि मैंने कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। हाँ सॉरी, कम्प्लीटली तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 50% मैंने घर में रखी चीज़ों को ही यूज़ किया है। तो ये था एक प्लाईबोर्ड का टुकड़ा और ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं ये 2 फिट बाई 1.5 फिट का है, यानी कि काफ़ी बड़ा है। ये एक टेबल आप इससे आसानी से बना सकते हैं, यानी कि एक टेबल का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो। तो ये प्लाईबोर्ड ना काफ़ी मजबूत था, बहुत बढ़िया थे। ऐसे मेरे पास 2-3 टुकड़े रखे हुए हैं, तो एक मैंने वो ले लिया। और एक ये है फ़ोटो फ्रेम, जो कि आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये बैंड हो रखा है, गोलाई में हो रखा है, तो ये किसी फ़ोटो के ऊपर अच्छे से नहीं मतलब लग सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कुछ डिफरेंट सा कुछ बनाते हैं। अगर मेरे पास ये जो मैं दिखा रही हूँ ना मोल्डिंग लकड़ी वाली प्लेन, अगर ये और होती तो मैं इसी को ही यूज़ करती, मैं ये फ़ोटो फ्रेम नहीं यूज़ करती। बट ये जो लकड़ी है ना, ये मेरे पास बस इतना सा ही टुकड़ा था, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम जो रखा था मेरा, ये मैंने यूज़ किया। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ये जो लकड़ी प्लाईवुड का टुकड़ा था ना मेरे पास चौड़ा सा, इसके नीचे जो है मैं लेग्स लगाऊंगी। अब लेग्स जो है वो आप अपनी पसंद के ला सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं, बढ़िया और थोड़ा सा सस्ते वाले कोई भी ला सकते हैं। और आजकल ये जो स्टील वाले हैं ना, ये लेग्स बहुत चले हुए हैं। वैसे तो काफ़ी डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, बट वो थोड़े महंगे थे तो मैं नहीं लाई, लेकिन ये वाला मुझे 60 रुपीज़ का पर पीस मिला है, तो मुझे काफ़ी ठीक लगा ये, तो मैंने सोचा कि चलो ये ही ले लेती हूँ। तो ये 4 मैं लेकर आई और इन चारों को मैंने अच्छे से पेंच की हेल्प से फ़िक्स कर दिया। अब पेंच मैंने काले वाले पेंच यहाँ पे यूज़ किए हैं, 1 इंच वाले। ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो मैं घर में एडवांस में लाकर रखती हूँ, क्योंकि इनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं एडवांस में ये चीज़ें लाकर रखती हूँ। तो मैंने 4-4 पेंच नहीं लगाए हैं, मैंने 2-2 पेंच लगाए हैं, यानी कि क्रॉस में मैंने 2-2 पेंच लगा दिए, और उसी से काफ़ी मजबूत ये हो गए, काफ़ी टाइट ये हो गए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से लग गए हैं लेग्स। अब ये हैं थोड़ी सी बटरफ्लाई, अब इनकी हालत देखकर आप इजीली पता जो है ना मतलब आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी पुरानी है और मैंने इनको कितने दिन तक यूज़ किया होगा। तो ये मतलब 2 साल पहले दिवाली पे मैं लाई थी और काफ़ी दिन तक ये लगी रही, और फिर मैंने इनको उतार करके रख दिया था। मुझे पता था कि मैं इनको कहीं ना कहीं अगेन यूज़ कर ही लूँगी, तो आज इनका नंबर आया और मैंने इनको निकाल लिया। और इनका ये जो बिल्कुल जो बढ़िया वाला जो पार्ट था ना ऊपर वाला, उसको मैंने लिया है, नीचे जो पतली सी पॉलिथीन वाली जो बटरफ्लाई थी ना जिसके नीचे ग्लू लगा होता है, उसको मैंने फेंक दिया, और इनकी सारी जो इनके ऊपर फोम वगैरह थी वो सब मैंने साफ़ कर ली और इन बटरफ्लाईज़ को अच्छे से क्लीन कर लिया। अब ये जो प्लाईबोर्ड था, इसको थोड़ा सा सैंडिंग करके थोड़ा सा ना स्मूथ कर लिया सरफेस को। अब यहाँ पर मैंने लिया है पैरट ग्रीन एक्रीलिक कलर, उसके साथ साथ मैंने लिया है टील ब्लू कलर, स्काई ब्लू आप कह सकते हैं या फिर टील ब्लू, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर्स ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बटरफ्लाइज़ के साथ इस कलर को मर्ज करना चाह रही हूँ, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा ऊपर से डाला है पर्ल गोल्डन शेड या फिर गोल्डन कलर का एक्रेलिक पेंट, और ले ली है एक फ़ैन ब्रश। अब फ़ैन ब्रश की खासियत आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ैन ब्रश से जो है कितनी स्पीड से और कितनी जल्दी हमारा काम हो जाता है। जो काम एक पतले वाली ब्रश मतलब इसे डबल या ट्रिपल टाइम में करेगी, वो काम इस फ़ैन ब्रश ने कैसे सेकंडों में कर दिया है। तो आप फ़ैन ब्रश ज़रूर लाकर रखिए, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत टाइम बचता है, बहुत जल्दी जल्दी जो है पेंट हो जाता है बड़ी सरफेस पे अगर हमें करना हो तो। दूसरा ये कि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत इतनी बढ़िया से मज़ा आता है इसको मतलब यूज़ करने में ना। तो इसको करने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा पर्ल गोल्डन शेड जो है वो और डाल दिया था, ताकि मैं ये जो बेस बना रही हूँ ये मेरा थोड़ा सा शाइनी बेस बने। और इसको ऐसा करके मैंने कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ा था बहुत अच्छे से सूखने के लिए। जब ये बहुत अच्छे से सूख गया था, रात हो गई थी काफ़ी, तो मैंने फिर इन बटरफ्लाइज़ को चिपकाना शुरू किया। अब सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इन बटरफ्लाइज़ को ना पहले ऐसे ही सेट कर लिया, मुझे इनको मतलब जिसको जहाँ लगाना है जैसे लगाना है वैसे बहुत अच्छे से मैंने इनको सबको सेट कर लिया। उसके बाद इनके नीचे ना हल्का हल्का पॉलीफिक्स ग्लू लगाकर और मैंने इनको फिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे इसके ऊपर ना करना था रेजिन, ईपोक्सी रेजिन का मुझे इस पर आर्ट करना था, तो मैंने इनको पूरा चिपकाया नहीं है बटरफ्लाइज़ को, मैंने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा ना ग्लू लगा दिया ताकि बस ये स्टिक हो जाए अपनी जगह पर।
लेकिन अगर आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, स्टिकर्स लगाने के बाद कुछ भी नहीं करना है, तो आप इन स्टिकर्स को पूरा चिपकाइए अच्छे से, और वो आप फेविकोल की हेल्प से भी कर सकते हैं। मुझे रेजिन क्राफ्ट करना था तो मैंने इनको उस टाइम पूरा नहीं चिपकाया था, तो ये मैंने सारे अच्छे से चिपका दिए हैं और इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। जब तक वो सूखेंगे हम बनाएंगे अपना दूसरे वाला DIY। उसके लिए जो है ये ली है एक ट्रे वुडन। अब ये जो ट्रे है ना, ये पूरी मैंने खुद ही इसको कीलों से ठोक करके बनाया था। ये पतली पतली फटियां पड़ी थी, और ये जो वाइट प्लाई आप अंदर सनमाए का देख रहे हो ना, ये सब मैंने खुद से ही चिपकाया था। सब कुछ मैंने खुद किया था, सारे पार्ट्स अलग अलग थे, सब कुछ खुद ही किया था। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले ही बनाई थी, और अंदर की तरफ मैंने इसमें सनमाइका लगाई हुई है बहुत प्यारी सी वाइट कलर की, जिसके अंदर की डिज़ाइन है। अब इसके अंदर मैं चिपकाऊंगी ये मोरक्कन स्टिकर्स, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, और इतने मोटा इनका जो है ना, इनका जो मटेरियल है वो इतना बढ़िया है, बहुत अच्छा। और ये मैं मिस्टर DIY से लाई थी, सिर्फ 56 रुपीज़ के थे ये, और बहुत अच्छे थे। और 12 स्टिकर्स हैं इसमें, और इसमें एक दो डिज़ाइन और थे, बट मुझे ये वाले बहुत सुंदर लगे तो मैं यही लाई थी। अब इनको मुझे इसके अंदर पेस्ट करना था। पहले मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिए थे, बट वो मुझे अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने उनको हटा करके दूसरे पैटर्न से चिपकाया। जो साइडों में छोटे छोटे गैप्स बच गए थे ना, वहाँ पे मैंने जो बीच वाले जो मुड़े हुए थे ना स्टिकर्स, वो मुड़ इसलिए गए थे क्योंकि मैंने इस पैकेट को ना फोल्ड करके रख दिया था, उस वजह से वो मेरे बीच वाले स्टिकर्स जो है वो मुड़ गए। तो उनको मैंने साइडों में कट करके लगा दिया। अब जो कॉर्नर्स में बहुत छोटे लगे हुए हैं ना दोनों तरफ में, इनको मैंने बाद में हटा दिया था, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो इनको मैंने हटा दिया था। अब जो है वापस आ जाएं हम अपने टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे लगाना था अब अपना फ्रेम। तो फ्रेम लगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो है बाहर की तरफ फ्रेम को चिपकाने की कोशिश करी, वो मैंने की पॉलीफिक्स ग्लू से चिपकाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था मेरा फ्रेम जो है वो बैंड हो रखा था, तो वो नहीं चिपका, बार बार जो है उतर रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्लाईबोर्ड के ऊपर ही फ्रेम को चिपकाने की कोशिश की, बट वो फिर भी नहीं रुक रहा था। तो मैंने क्या किया, पॉलीफिस ग्लू से चिपकाने के बाद इनमें ना एक एक दो दो मैंने काले वाली कीले लगा दी, ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। और काले वाली कीले जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही थी। उसके बाद हल्का हल्का गोल्डन कलर जो है मैंने इन कीलों के ऊपर कर दिया था, ताकि ये नहीं इतनी दिखाई दें, और बहुत अच्छे से अंदर तक ठोक दिया था, ताकि ये हाथ में भी लगने का डर इनका ना रहे। अब ये देखिए फ्रेम को मैंने किस तरीके से सेट करके कट कर करके, और चारों तरफ से इसको फ्रेम को जो है मेजरमेंट ले लेके इस पे सेट किया था। छोटी सी ले ली थी ये आरी वाली कटर, जो कि क्राफ्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो ये मेरे पास, ये मेरे हस्बैंड की है, तो ये तो इससे मैंने इसको कट कर करके और इसको चारों तरफ से फ्रेम कर दिया था। अब ये जो हम ट्रे बना रहे थे, इसमें जो है मुझे अंदर थोड़ा खालीपन सा लग रहा था, और मुझे ये था कि मुझे रेजिन क्राफ्ट जो है वो करना है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाया जाए, इसमें और जो है मोरक्कन स्टाइल इसके अंदर और डाला जाए। तो मैंने ये जो काले वाले स्टोन्स मेरे पास बहुत सारे रखे हैं ना, जो मैंने पहले भी वीडियो में यूज़ किए थे, आपको दिखाया था, ये मैंने थोड़े से अंदर लगा दिए। और ये जो ट्रे थी ना, इसमें ना साइडों में एक तरफ थोड़े से गैप थे, वहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी मैंने ना लाके रखी हुई है, ये वॉल पुट्टी का पेस्ट होता है इस ट्यूब के अंदर, ये मैंने भर दिया। अब जो है मुझे करना था ब्लैक कलर। अब अंदर की तरफ पेपर टेप लगा करके मैंने अंदर की तरफ भी ब्लैक कलर इस के ट्रे के अंदर की तरफ कर दिया, और ऊपर की तरफ जो पट्टी थी उसके ऊपर भी कर दिया, और इसको सूखने को छोड़ दिया। उसके बाद जो है बाहर की तरफ भी मैंने चारों तरफ थोड़ी सैंडिंग करके, और फिर जो है ब्लैक कलर का एक्रिलिक पेंट इसके ऊपर कर दिया था। और पूरा ब्लैक करने के बाद ये बड़ी ही सुंदर लगी, बड़ी प्यारी लगी। मेरा मन था कि मैं बाहर चारों तरफ इस पे ब्लैक कलर की जो क्रोशिए वाली लेस आती है ना, वो मैं लगाऊं, ताकि ये और भी ज़्यादा जो है सुंदर लगे, बट वो इस टाइम जो है मेरे पास नहीं थी, रखी हुई नहीं थी। तो मैंने सोचा नया किस लिए लाना है, छोड़ो ऐसे ही इसको रखते हैं। और ऊपर की तरफ जो है मैंने पूरे में ये ब्लैक स्टोन्स लगाए थे, क्योंकि प्लाईवुड का जो है टुकड़ा था, और वो जो लाइनिंग सी होती है ना प्लाईवुड की, वो थोड़ी सी विजिबल हो रही थी, तो वो मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने चारों तरफ इसमें स्टोन्स लगा दिए, और इसके लगा दिए हैंडल्स, और जो है इसको रख दिया सूखने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो ट्रे है वो बिल्कुल, जो स्टोन्स वगैरह है वो सारा सूख कर बिल्कुल रेडी हो गई है, और कितनी प्यारी ये लग रही है आप खुद देख सकते हैं। और मैंने ना इसका सारा जो पैटर्न है वो एकदम ना मोरक्कन स्टाइल वाला रखा है, क्योंकि जो स्टिकर्स थे ना वो मोरक्कन स्टाइल के थे, मोरक्कन डिजाइन के थे, तो फिर मैंने जो है इसके अंदर स्टोन्स भी उसी तरीके के यूज किए हैं। अगर आपके पास मोज़ेक टाइल्स है ना, वो आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास स्टोन्स ऑलरेडी रखे थे, तो मैंने उन्हीं को ही यूज कर लिया। और ये देखिए कितनी सुंदर बनकर तैयार ये हुई है। और जो ये जो हैंडल्स है ना,
ये मैं स्पेशली इसी के लिए नहीं लाई थी। और ये जो जैसे मैं कभी कभी जैसे DIY जाती रहती हूँ मिस्टर DIY, तो मुझे जो चीज़ें बहुत कम रेट की लगती है ना और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती हैं, तो वो मैं खरीद कर ले आती हूँ। तो ये हैंडल्स भी कुछ इसी तरीके से मैं कई दिन पहले लेकर आई थी और ये इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहे थे, तो मैंने इनको इसमें लगा दिया। तो ये देखिए कितनी सुंदर ये मेरी ट्रे रेडी हो गई है। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर सामान हम कैसे रखेंगे, क्योंकि मैंने तो जो है इसमें स्टोन्स भी लगाए हैं अंदर, थोड़ा सा डिजाइन को फिल करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए ना मैंने इसमें स्टोन्स भी लगाए हैं। तो वो मैं बताती हूँ कि जो स्टोन्स मैंने लगाए थे ना, तो मैंने ये सोच कर लगाए थे कि मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा जो ईपोक्सी रेजिन होता है, ईपोक्सी रेजिन का मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्यूशन डालूंगी, घोल डालूंगी, तो फिर उससे ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और बहुत सुंदर इसकी जो लुक है वो निकल कर आएगी। लेकिन क्या हुआ कि जो ईपोक्सी रेजिन है वो मुझे लोकल मार्केट में क्राफ्ट वाला जो है मेरे यहाँ एरिया में मुझे नहीं मिला, क्योंकि उसको ना बहुत लोग खरीदते नहीं है लोकल मार्केट से, तो वो मुझे नहीं मिला, मुझे दूसरा मिला, बाकी वो क्राफ्ट वाला नहीं था, तो नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें अगर मुझे ईपोक्सी रेजिन वाला ही लुक देना है तो मैं इसमें ग्लास क्यों ना यूज़ कर लूँ, शीशा क्यों ना लगा लूँ मैं इसमें, जिससे कि उस शीशे को निकाल के मैं कभी भी साफ़ भी कर सकती हूँ। अब दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि ये जो ट्रे है ना, ये मैंने सर्विंग ट्रे के तौर पे जो है नहीं बनाई है कि इसको इधर उधर ले जाकर घूमना, जैसे अगर घूमना हो ठीक है, क्योंकि शीशा लगाकर हम इधर उधर नहीं घूम सकते हैं और थोड़ा सा वो सेफ नहीं रहेगा। तो मैं इसको जो है टेबल के सेंटर में रखने वाली हूँ और फिर इसके अंदर मैं जो है फ्लावर वास वगैरह या फिर जो हम सेंटर टेबल की ट्रे में रखते हैं ना वो मैं इसके अंदर सामान रख दूंगी। अगर आपको एज ए सर्विंग ट्रे यूज करने के लिए इस तरीके की ट्रे बनानी है तो आप अंदर की तरफ ये जो स्टोन्स मैंने लगाए हैं ये मत लगाइएगा, आप सिर्फ स्टिकर्स लगा करके छोड़ दीजिएगा, वैसे भी ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये देखिए ये हो गई है हमारी कंप्लीट। तो बन गया ना बिल्कुल, कितनी सारी पुरानी चीजों को मिला करके और कुछ नया कुछ पुराना यूज करके एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी सेंटर टेबल के लिए ट्रे है ना। ये देखिए हमारी बहुत छोटी सी चौकी, बहुत सुंदर लग रही है ये। और सेम इसी तरीके से इसके ऊपर भी मुझे जो है ये फ्रेम लगाने के बाद ना मुझे इसके ऊपर भी ईपॉक्सी रेजिन वाला जो है वो जो चीज़ है आर्ट वो मुझे ट्राई करना था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई कर लेंगे। पहले मुझे उस चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा, फिर मैं ट्राई करूँगी। तो इस बार जो है मैंने दोनों में ही शीशा जो है लगाने का डिसाइड किया कि चलो भाई रेजिन नहीं हो रहा है तो कुछ तो हम करेंगे, तो मैंने फिर दोनों पे ही शीशा लगाने का सोचा। और ये बिल्कुल ना एकदम डिफरेंट सी चीज़ मेरी बनकर तैयार हुई है। सही बताऊँ ना तो मैंने ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं देखी कहीं पे भी और किसी के घर में नहीं देखी ऐसी चीज़। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये ना छोटी सी चौकी या बहुत छोटा सा जो है टेबल एक जो है रेडी हो गया है। और ये इस तरीके का टेबल ना आप कहीं पे भी जो है बालकनी में बैठ के, गार्डन में बैठ के, कहीं पे भी आप ना वो छोटा सा टेबल कहीं पे भी इसको ले जाके रख सकते हैं। इसके ऊपर चाय वगैरह, कॉफी वगैरह कुछ भी आप इस पे रख के अपना जो है मजा ले सकते हैं। और अभी जो है इसके चारों तरफ ये जो बॉर्डर है ना इस पे मैं ग्रीन कलर की टेप लगाने वाली हूँ, बहुत सुंदर सी, जो कि इसके साथ मैच हो जाएगी। इस पे मैं कोई कलर नहीं करूंगी, टेप लगाऊंगी बड़ी प्यारी सी, अभी दिखाऊंगी आपको। तो इतना बन के ये मेरा तैयार हो गया है। और इसका जो शीशा मैंने कटवाया है ना, इसका शीशा भी मैंने बहुत ही मामूली सा ना, बहुत छोटा छोटा सा जो है इसके साइज से छोटा ही कटवाया, ताकि मैं कभी भी जो है शीशे को हटाकर क्लीनिंग कर सकूं। तो ये मैंने लगा दी है टेप। टेप लगने के बाद भी अब आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर हो गई है। अब जो है लेग्स पे आप चाहें तो गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी आगे जाके तो मैं कर दूंगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो शीशे में यूज़ कर रही हूँ ना वो मैं टेम्प्ररी
यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही मुझे रेजिन आर्ट वाली जो किट है वो सही रेट पे कहीं से मिल जाएगी तो फिर मैं इनके ऊपर रेजिन आर्ट कर दूँगी, लेकिन ये शीशे जो है मैं टेम्प्ररी यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल परमानेंट नहीं है। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आइडियाज पसंद आए होंगे। बिल्कुल एकदम अलग से जो है आइडिया मैंने शेयर करने की कोशिश की है, और जो भी घर में सामान रखा था ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि ऑलमोस्ट मैं वही यूज करूं, और बिल्कुल जो चीज़ बिल्कुल ये हो जाए ना कि भाई ये तो जो है लेनी ही है, तो वही चीज़ें मैं बाहर से खरीद कर लाऊं, और कोशिश करूं कि कम से कम खर्च में मैं आपको DIYs जो है वो बनाकर दिखाऊं, आइडियाज़ जो है आपके साथ शेयर करूं। तो बट इस वाले ये वाले जो आज वाले जो DIYs हैं उनमें थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों को ना बहुत महंगी महंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं जो ऑनलाइन स्टोर्स पर बहुत ज़्यादा कई कई हज़ार के जो रेट हैं उनके होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उन्हीं को ही कुछ कम रेट में बनाने की कोशिश की जाए, कम पैसों में कम खर्च में बनाने की कोशिश की जाए। तो ये थे मेरे आज के आइडियाज़, आई होप आपको आइडियाज़ पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय।